हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं आपकी संजू यादव। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा और हमारे प्रभु राम जी श्री का कौन कौन दर्शन करने जा रहे हैं। और आप लोग कमेंट करके बताइए। दोस्तों क्या बताऊँ, मैं कल ही वीडियो ब्लॉग में बताई थी आप लोगों की मैं नहीं जा पाऊँगी, मैं बहुत दूर हूँ, बहुत मजबूर भी हूँ। तो इसे आप लोग से कह रहे हैं कि आप लोग जाइए और उनका स्वागत कीजिए, दर्शन कीजिए, अर्चना पूजा कीजिए और एकता बना के रहिए, अच्छे से रहिए। और हमारे सरकार माननीय मोदी जी और योगी जी बहुत अच्छा काम किए हैं और ये प्रभु राम जी श्री का मंदिर बनवा दिए हैं। तो इतना करोड़ों रुपये से मंदिर बनवाए हैं, कम से कम जाइए, उनका स्वागत कीजिए। जाने में कुछ नहीं हो रहा है, अगर जो जाएगा तो उसका फ़ायदा ही होगा, घाटा नहीं होगा। फ़ायदा क्या होगा कि जो मन का पाप है वो गंगा जी में स्नान करेंगे तो धुल जाएगा। और क्योंकि वैसे तो आप लोग जानते हैं कि 2023 में बहुत से लोग पाप किए हैं, बहुत से लोग उसकी सज़ा अभी जेल काट ही रहे हैं। और यही हंगामा पीछे हुआ का कि मालती मर गई तो गोरखपुर या भौजी गई वैष्णो देवी का दर्शन करने। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितने हमारे सारे यूट्यूबर हमारे बातों से सहमत हैं तो आप लोग जाइए, जो नहीं गंगा स्नान किए हैं वो भी गंगा स्नान करके अयोध्या में तर जाएंगे और प्रभु राम जी के दर्शन में रहे और अच्छे अच्छे से उनका स्वागत कीजिए। और हाँ दोस्तों, आज शाम को अपने अपने घर में सब दिया जलाना, चाहे अयोध्या मंदिर जाए या ना जाए, लेकिन घर में दिया तो जलाना चाहिए। आप लोग जलाइए, खुशी मनाइए। और इतना वर्षों के बाद हमारा दिवाली फिर से आया है दोस्तों, तो इसके लिए नाराज़ मत होइए। अगर अमीर हो या गरीब हो, अगर कुछ भी नहीं हो तो दीपक तो जल सकता है। ज़रूरी नहीं है फूल माला अगरबत्ती से स्वागत करो, अगर जो जिसके पास होता है तो वही कीजिए। बहुत से ऐसे ऐसे लोग हैं कि मतलब बहुत सारा सिस्टम बनाते हैं, तो सिस्टम की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों। अगर हम अपने मन में ही राम को जप लेंगे तो हमारे मन में ही राम है। तो हम यही कह रहे हैं कि जो हमारे पिछड़े लोग हैं, जो हमारे पिछड़े परिवार हैं, तो आप लोग के पास अगर कुछ नहीं है, एक दीपक तो जलाना ज़रूरी है। तो आप लोग जलाइए, अच्छे से उनका पूजा करिए। और जो भैया जो लोग वहाँ जा रहे हैं, जिसको प्रभु राम जी बुलाए हैं, आप लोग तो दर्शन करके तर जाएंगे। तो अगर आप लोग दर्शन कर रहे हैं तो हम देख के खुशी होंगे दोस्तों। तो आप लोग प्यारा सा कमेंट कर बताइए, हमारा छोटा सा रिक्वेस्ट है। और 500 साल वर्षों बाद ये जाके स्वागत का नज़ारा देखना पड़ रहा है। और हमारी समाज, हमारी संस्था और हमारी दुनिया हमेशा आगे तर पढ़ती रहे और हमारा समाज हमेशा खुशहाल रहे। और मैं अपने YouTube फैमिली से कहना चाहती हूँ, अगर जो अयोध्या में जाके दर्शन कर रहे हैं, कोई कोई ऐसा है कि वही है कि जुबान से तो बढ़िया शब्द बोलेंगे लेकिन अंदर कटारी है, अंदर छुरी है, अंदर किसी के प्रति पाप है, घात विश्वास है, तो ऐसे लोग को भगवान नहीं अमर करेंगे, नहीं तर जाएंगे। वो गंगा में भरसक कितना भी नहा ले तो उनका पाप नहीं कटेगा। ऐसे ऐसे लोग हैं कि चल दिए दर्शन करने और मन में पाप है कि दर्शन करके आऊँगा तो मैं उसको मार के गिराऊँगा, तो ऐसे थोड़ी ना प्रभु राम जी का दर्शन होता है। आप जाइए तो घर का एक दिन के लिए काम काज टाल दो, एक दिन के लिए। देखो वही इंसान कहता है कि जब तक जियो तब तक सियो, जब तक जिएंगे हम लोग तब तक हम लोग का ये परिवार का मोह माया काम धाम लगा रहेगा। अगर हम काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? तो यही सब सारी चीज़ें हैं। तो मैं यही कहूँगी कि एक दिन के लिए अपना काम टालो, अपने मन का पाप भरम हटा के और शक्ति संबंध से और भक्ति मन से चाहिए भगवान राम का दर्शन कीजिए। और आप भी खुश, हम भी खुश। और ये नहीं कि
किसी से लड़ाई झगड़ा करके जाइए, गुस्से में जाइए, तो वहाँ हंसते हुए जाइए, गुनगुनाते हुए जाइए, और तब हमारे श्री राम प्रभु जी खुश होंगे। अगर इतना करोड़ों का मंदिर बनवा दिए हैं, अगर हम किसी के प्रति पाप करके जाएंगे या मन में पाप घात लेके जाएंगे, तो उन इतना पैसा, करोड़ों पैसा लगा के मंदिर बनवाने का क्या मतलब निकलेगा? कुछ नहीं निकलेगा। इतना दूर हम जाएंगे इतना पैसा खर्च करके, तो क्या मतलब निकलेगा? तो आप लोग हमारी अगर बातों से सहमत है तो प्यारा प्यारा से कमेंट करके बताइए, और आप लोग के कमेंट का मैं इंतज़ार करूंगी, और आप लोग सपोर्ट करिए। आप लोग हमारे भगवान हो, आप लोग हमारे फैमिली हो, मैं तो आप सबसे बहुत उम्मीद रखती हूँ। और वैसे भी 2023 आप सबको पता है, हमारी यूट्यूब फैमिली ऐसे यूट्यूबर का घर उजड़ गया। वो इंसान जो लाखों रुपए महीना कमाने वाले यूट्यूबर थी, आज उस दिन इस दुनिया में नहीं है, और उनका बेटा भी माँ का साया उठ गया है। तो आज एक तरफ सोचो तो दुख है, लेकिन सोचने वाले सोच कहाँ रहे हैं? वो तो और मना रहे हैं कि अच्छा हुआ उनका परिवार टूट गया। तो मैं यही चाहती हूँ, चाहे अच्छा हो चाहे भला बुरा हो, कुछ भी हो, परिवार तो परिवार होता है। और आज उनका सुनवाई भी नहीं हुआ, उनका जेल से बेल भी नहीं हो रहा है। तो अगर हो गया होता तो अच्छी बात होती। तो मैं यही अपने श्री राम प्रभु जी से निवेदन कर रही हूँ और रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर उनकी कृपा होगी तो एक दिन अपने जरूर बेटा के पास आएंगे। तो और क्या कहूँ दोस्तों, इतना खुशी आज है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, खुशी के सिवा कुछ नहीं है दोस्तों। अगर हम कितना भी कष्ट में रहे, कितना भी दुख में रहे, अगर हमेशा हंसते मुस्कुराते रहे, तो हमारी फैमिली यही सोचेगी कि कुछ कष्ट नहीं है, कुछ परेशानी नहीं है। तो परेशानी, कष्ट, दुख, सुख दोनों साथ रहेंगे। जब तक जिएंगे तब तक हमको दुख भी भोगना पड़ेगा, सुख भी भोगना पड़ेगा। तो वही इंसान कहते हैं, अगर हम एकता में रहेंगे, सुख से रहे, सुख शांति में रहेंगे, तो हमारे संस्कृत में लिखा गया है, वेद पुराण में लिखा गया है कि जहाँ विपद, क्या है दोस्तों, ध्यान नहीं आ रहा है तो आप लोग को मैं बताती, चलो जाने दो, जब ध्यान आएगा तो मैं अगले ब्लॉक में बताऊंगा। तो आप लोग हमारे बातों से सहमत रहिए, हमारे वीडियो पे बने रहिए दोस्तों। और श्री राम जी की तरफ से रैली निकली है, सारे लोग रैली निकाले हैं, तो आवाज़ आ रही है। तो चलिए, तब तक के लिए मैं आगे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, और हमारे वीडियो पे आप लोग बने रहिए, और प्यारा प्यारा सा कमेंट करिए। जय श्री राम। आगे मिलूंगी, क्योंकि आवाज़ आ रही दोस्तों, ब्लॉग खराब हो जाएगा। चलिए नमस्कार।